पहले तो मैं उसको सुनती हूँ ये बोल क्या, ठीक है, फिर उसके बाद मैं सुनती हूँ जब ये सोच रहा है बनाने के लिए तो बनेगा कि तो सॉल्यूशन होगा इसका। दुनिया में कोई भी चीज संभव नहीं होती, ये सबसे पहले था, हर चीज संभव है। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया है तो उसका सॉल्यूशन भी है, कहाँ है ये आपको ढूंढना, ठीक है। ऐसे आपके दिमाग में अगर ये आया है कि मुझे कुछ करना है तो कराने वाले लोग भी आपके आस पास के कहीं दूर नहीं जाना है, लेकिन उनको पहचानना किसको पड़ेगा, आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा, उनको आपको ही सच से, मैंने अभी बताया आपको, तो मेरे ख्याल से इतने सारे लोग अगर आईटी फील्ड में बैठे हुए ना तो आपको आस पास ना अपने क्लाइंट दिखने लगना चाहिए, है ना। आपकी जिस एरिया में रहते हो तो वहाँ प्लम्बर भी होगा, तो वहाँ कारपेंटर भी होगा, वहाँ बार्बर शॉप की नाई होगा, वहाँ बुटीक भी होगा, वहाँ ब्यूटिशियन वाले होंगे, जो वर्क बात करना सीखो उनसे, लाइए हम आपका काम करते हैं। एक बार मैं अच्छा दूसरा एक चीज और ध्यान रखिए, लाइए हम जब क्लाइंट लिस्ट पे जाते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं, तो हमारा जो अचीवमेंट है वो 60% मान लीजिए हम 10 लोगों को कॉल करेंगे, 100 लोगों को कॉल करेंगे, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट होंगे, 3 to 6, ये ध्यान रखना, लाइए 97 होंगे जो हमें एंटरटेन करने वाले रहे हैं। अब लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो सबको ध्यान रखना चाहिए आपको, कि हो सकता है वो 97 नंबर पहले से लेकर 91 तक पहले आ जाए। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वहीं से बैठ के अंदर लास्ट के 3 हो वो जो आपके जैकपॉट हो, हम क्या करते हैं पहला दूसरा दसवां पचासवां कॉल लिया उसको, लगा यार अरे सब बेकार, अरे ये सब फालतू चीजें, हमें अब कुछ नहीं करना, और हमारे सराउंडिंग के लोग क्या करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं, अरे क्या करो फालतू चीज करो। लेकिन अगर आपका दृढ़ निश्चय है तो लास्ट के जो 3 होंगे ना वो आपको जैकपॉट देखने चाहिए। अगर कुछ दिमाग में आ गया है ना तो जब तक उसमें फेलियर भी ना हो तब तक उस काम को करते, फेलियर भी होगे ना तो सीखोगे, ये ध्यान रखो हमेशा। अगर फेल भी होगे तो हमें मालूम होगा वो स्टेप कितना गहरा है, उस स्टेप को करने में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही, हर चीज हर पल कुछ सिखाता है, हर व्यक्ति कुछ सिखाता है, हमें किसी को भी ना ही डाउन उतर वो करना है कि अरे आप हमारे मेरे काम के नहीं हो, हर चीज को करते देखो आपको हमेशा 100% उससे कुछ ना कुछ अर्न करने मिलेगा। इसका मतलब आप मार्केट की डिमांड समझ कर उसको सबसे इजी वे में कर लो, जैसे कि आपने शुरू में बताया कि आप अगर 10 जगह डेली का पकड़ लो 500 रुपए हो तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, 500 के कब 50 हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। मेरे एक और क्वेश्चन था, जैसे कि हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं शुरुआत में वो चलते जाता है, फिर कुछ समय बाद लगता है ये होगा नहीं होगा, फिर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो इसको किस तरह से, नहीं उसका कारण ये है कि या तो उसको आप और पॉलिश्ड नहीं कर रहे। देखिए हमेशा मैंने क्या बोला ना, पहले जो चेंजेस आते थे वो 10 साल में दिखते थे, अब हर ईयर में कुछ चेंज दिखता, अगर हम लोग अब अपडेट नहीं होंगे तो क्या हो जाएंगे पुराने, तो हमें अपडेट रहना चाहिए। अच्छा अपडेट लेने के लिए क्या होगा, सबसे पहले ना मेहनत करने से मत डरो, जैसे मेरा एक नेचर है मैं अपना नहीं सकता, मेरे पास काम हो या ना सुबह 11 बजे मैं तैयार, सारे घर के जो काम होते हैं उनको मैं मतलब अनप्रोडक्टिवली काम समझती हूँ, जो मेरे हिस्से के काम जो मुझे मालूम है मुझे करना है पहले से, मुझे डिसाइड कर मुझे ये काम करना, वो मेरे लिए अनप्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव, क्योंकि मुझे मालूम था करना उसके से कुछ भी आ गया। अब मुझे अगर किसी ने फोन किया, अगर मैं बोली सिंपल सा फोन किया फलाने चलना है आ जाते चलो खाते क्यों आते, कोई बोलेगा अच्छा जाओ नीचे आप फलाना वो वहां जाओ, मुझे लगता है थाने जाओगे तो टीआई तो मिल जाओगी ना, अगली बार सब टीआई मेरे काम आएगा, मैं ये सोच के जाती हूँ उसका नंबर आ जाएगा मेरे पास, अगली बार मैं फोन लगाऊंगी तो काम हो जाएगा। मैं कहीं भी एक मिनट मुझे ना कभी कोई केस दिखता है ना कुछ भी काम हो, किसी ने बोला शॉपिंग करने जाओ चलो अभी चलो गाड़ी उठाई चले जाओ, वहां जाके भी कहते कौन से ये वाला गिफ्ट का काम आएगा, ये वाला चीज का काम आएगी, वाले कितने होते, मेरे लिए हर पल क्या होता है लर्निंग होता है। लेकिन जो हमारे काम अभी के बच्चे का करते हैं, अभी के मेरा बेटा है 18 है बोल रहा, उसको कोई काम बोलो ना तो एक बार कोई सुनते ही नहीं, कर दूंगा करेगा कभी मना भी कभी नहीं करेगा, सारे बच्चे ऐसे करते हैं, मुझे मालूम ये वाली जनरेशन वैसे ही बनी है, ये जनरेशन का प्रॉब्लम। अच्छा उससे क्या होता है कि आपके पास वो काम है, 4 घंटे बाद आप जो सोचोगे ना वो
उस 4 घंटे में लास्ट मिनट आपको मुझे 2 मिनट काम है ना, आप ही मैं कर लूँ तो मैं एंजॉय कर लूँ। आप लोग जो खेल रहे होते जो कर रहे होते आप घुसे हुए होते हो, आप उसको नहीं देखते, लेकिन लास्ट 2 मिनट्स में पता नहीं क्या कौन होना चाहिए। और हमारे जैसे लोग क्या करते हैं, किसी ने बोला पहले वो काम खत्म हो गया है ना, उसके बाद फिर हम पे आप बताओ दूसरे काम के लिए तैयार, लेकिन जब आप पहला ही काम नहीं खत्म करोगे दूसरा काम को सबसे पहली बात है ना, अभी जो एज है ना ये लर्निंग एज है, जो जो बोले उसको स्लिप करते जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लेबरिंग करना, अगर लेबरिंग करनी आपको आती है ना, और किसी भी सिस्टम में ये मत सोचो कि मुझे इतना काम दिया बस मैं इतना ही करूँ। मुझे 95 में एक प्रिंसिपल थे, उन्होंने बोला था जब भी आपको काम दिया था ना सबसे पहले आपको काम दिया बता, अब मेरी आज की फ्री तुम्हारा चला तुम्हारा चला मेरा फर्स्ट डिवीजन है 60%। अरे भैया 99 मांगो ना 70।
मिट्टी पे जाके एक पे जाके लिखने की ना, क्योंकि हम मांगते इस चीज की भगवान बोलता रहे यार, तुमने मांगा कि कैसे लगा सकती है यार, बड़ा मांगो बड़ा सोचो, तो हम उसके करीब उसके लिए मेहनत भी करो, सोच रहे नहीं देख लिए सोच रहे हो वैसा भी, उसके लिए हमें एफर्ट्स करने चाहिए। एफर्ट्स तो वो 24 घंटे अपनी बॉडी को ना मूवेबल रखो। जैसे एक बार था कहानी थी कि एक बार एक किसान था, उसके गांव में अकाल पड़ा, ठीक है, तो भविष्यवाणी हुई कि 2 साल बाद बारिश होगी। राजा ने पूजा करवाई, लेकिन वो 2 साल तक डेली नियम से उठता, अपने खेत में जाता और अपने हल चला के सारी चीजों को व्यवस्था करता। यहाँ पे राजा पूजा कर रहा था, अब भगवान प्रसन्न हो गए बीच में, तो 6 महीने बाद ही उन्होंने बारिश कर, बाकी लोग तैयार नहीं थे, लेकिन वो तैयार, क्योंकि बॉडी को हमने क्या किया था, सिस्टम को पूरा बना के रखा था। तो अपने सिस्टम को एक्टिवेट रखो, चाहे वो ज्ञान के प्रति हो, चाहे वो काम के प्रति हो, किसी भी प्रति हो, आप अपने आप एक्टिव रखोगे तो जब भी अचीवमेंट मिलेगा आप उसको ग्रास्प करो। और कभी कभी ना काम से मत काम, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटल, तीन ही चीज है ना, फिजिकल मेंटल और इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल सबसे आखिरी में आता, मैं सबसे लास्ट में लिखती हूँ इकोनॉमिकल। सबसे पहले क्या होता है, फिजिकल लेबर, आप फिजिकल लेबर सारे लोग कर सकते हो, सारे काम किए सकते हैं, चाहे वो खाना बनाना हो लड़कियों के लिए, है ना, चाहे रास्ते के घरेलू काम हो, जिम जाना बेटर नहीं है, घर में काम करो, बहुत सारे काम करते रहेंगे, ठीक है ना। फिर होता है समय दो, उस समय को देने में भी आप अर्न करते हो, ये धन का किसी को आप समय दे रहे हो ना, वो फ्री में कोई नहीं लेता, गिव एंड टेक है लाइफ, आप किसी को समय दे रहे हो बदले में आपको एक्सपीरियंस होगा। थर्ड नंबर पे आता है इकोनॉमिकल, वो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो आप, ये मैं आपको एक जनरल दे दूँ, ये आईटी से अलग हटके, बट ये सारी चीज़ें जब आप एक जॉब में जाओगे या आप बिजनेस मैन बनोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगी। कभी अगर देखना हो तो इनको याद करो, अठना पटना का स्कूल वाली जो हमारे ले जाने, वो एक लेडी ऐसी है शहर में जो 48 घंटे काम करती है, नाम जानना चाहते हैं, 48 अर्चना भटनागर मार्केट प्रेसिडेंट है, केलाइट केमिकल की वो है एमडी, वही ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है और बहुत हाईली हाईली। और एक चीज में नहीं, बिजनेस में नहीं, अगर हम लोग 20 लोग बैठ के कुछ खा रहे हैं उनके सामने, तो किसने नहीं खाया उनको वो भी ध्यान रखता, वो उसको सर्व कर रहे हैं, चाहे वो प्यून हो चाहे वो गेस्ट हो, मतलब वो ओवरऑल लेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक आध बार इनको या तो वहाँ विजिट करा दीजिए लाइफ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम आसपास कुछ अच्छे लोगों से इनको मिलवाते रहेंगे तो बच्चे लाइफ उसमें ज़्यादा मोटिवेट होंगे, है ना। पढ़ना तो एक जरूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ मुझे फिजिकली देखना होना चाहिए कि कौन जो है सक्सेस, जिससे हम काफ़ी लेडीज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, काफ़ी जेंट्स भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, संदीप विजन का पढ़ा रहा है बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनसे कलर से बताइए, टाटा वाले संजय सिन्हा भी है सर, संजय सिन्हा संजय सिन्हा भी है जब, अरे अभी तो महापौर भी बहुत अच्छा काम कर, जो लोग क्रिएटिव है ना उनसे भी लोग, उनके उनका एक औरा होता है, उनके साथ लोग तो आपको भी लगेगा यार, हमने आज का 24 घंटे में, आज मैं कल ही कितना सुन रही कि आपके पास कितने सेकंड्स में कन्वर्ट किया था अपने दिन को, कितना समय आप कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, आज का एक वो समय था जो आज चला गया वो कल नहीं आने वाला है ना, तो हमें हर पल को सीखना चाहिए, हर पल को, अभी तो आप स्टार्टिंग में हो, करो मेहनत करो, सब होगा, कुछ भी असंभव नहीं, ये कैसे को असंभव नहीं कर रहे हैं। आप सभी को बहुत कुछ समझ में आया था, मैम ने काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें बोली, और आईटी सेक्टर में प्रोग्रामिंग करते करते काफ़ी लोग जो थक गए थे, तो आज उनको कुछ अच्छा और भी सॉफ्ट स्किल समझ में आया जो कि बहुत रिक्वायर्ड होती है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। और आप सभी में से जिन्होंने क्वेश्चन पूछे वो बहुत अच्छा लगा, और मैडम एक लास्ट सवाल है, आप इतने साल जबलपुर में वर्क करते हो गए, मैडम जबलपुर में स्टूडेंटों को क्या माइंडसेट है जो आपने अभी तक पकड़ा है? यहाँ के देखो मैं भी मैंने सारे तरीके के बच्चे देखे शहर में, मैडम इंदौर इंदौर पूना और हैदराबाद में मुंबई जाओगे ना, मुंबई जाओगे तो अभी एक चीज और बताऊंगी मैं जरा आपको, शानदार जो भी हो ना एक जबलपुर का टच हटाया करो, कहीं भी रहो ना उस शहर का टच नहीं दिखना चाहिए आपके अंदर,
जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, बहुत छीनती हूँ, मुझे बहुत छीनती है, ठीक है। वो कब आती है, मैं रेडियो का माइक पकड़ती हूँ, फिर देर में बोलती हूँ, जैसे ही माइक ऑफ होगा मेरी बुद्धि की बैठ जाती है। साल में एक बार सारे लोग अगर आगे बढ़ना है ना, तो एक गुल्लक बनाओ, उसमें एक बार शहर लिखो बेंगलोर, फिर एक बार शहर लिखो पूना, फिर एक बार शहर लिखो मुंबई, और हर 6 महीने में पैसे जोड़ो, आसपास काम करके छोटे छोटे काम करो, पॉकेट मनी निकालो। मैंने तो एमएससी किया तभी से जॉब कर लिया, पहले ट्यूशन पढ़ाया, स्टार्टिंग में ही ट्यूशन पढ़ाया, अपना पढ़ा रहा है, अपना अर्न कर लिया। तो हम लोग छोटी गुल्लक बनाते हैं, कहाँ जाना है, मुंबई जाना है, और एक बार 5 दिन का ट्रिप मत, वहाँ की लाइफ कितनी तेज से भाग रही है, यहाँ तो टाइम ही नहीं है हमारे पास, कुछ करने को ही नहीं है, और वहाँ लोगों के पास समय नहीं है। 12th क्लास का बच्चा वहाँ कमाने लग जाता है, जैसे अमेरिका जो होता है ना, 12th क्लास के बच्चे को बाहर कर देते हैं, ऐसे आप देखना। मैक्सिमम मेरा कजिन था, उसने जियोलॉजी में एमएससी किया, फिर एमबीए किया, फिर जब वो जॉब करने गया सिप्ला में, तो उसने मुझे बताया, दीदी मेरी जो बॉस है वो मात्र दी है, उसके पास लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एक्सपीरियंस काम करने का। पढ़ाई जरूरी है, नो डाउट जरूरी है, ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ जैसे आप लोग 12th कर लेते हो ना, आप लोगों को फील्ड में काम करना शुरू, 12th तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, जिसमें हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें अर्न करना शुरू करना, ट्यूशन पढ़ाई जाती है, इम्पोर्टेंट तो आसान चीज़ है। इसके बाद छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं आसपास के, उनके काम के लिए हेल्प करिए, तो आप अर्न कर लो। जब तक आप मार्केट में अर्न करने नहीं जाओगे, आप बात करते भी नहीं बनेंगे। इंट्रोवर्ट होते ना, कई लोग बात ही नहीं कर पाते, बात करने से ही आपको नॉलेज आएगा। तो जबलपुर में एक जो सिचुएशन कॉमन थी, लोगों का समय बहुत ज़्यादा है, और वो समय वो 90% वेस्ट कर देते हैं। उसको वेस्ट मत करो, उसको मतलब कन्वर्ट करो, नॉलेज में, मनी में, किसी में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो जल्दी अचीव करो। अदरवाइज एमएससी कर लिया, हमें ये भी नहीं मालूम कि हमने क्यों किया, हमें करना क्या है, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ जो पढ़ाई होती है उसमें पता ही नहीं होता, हम चुप पढ़ रहे होते हैं, बस पढ़ रहे होते हैं। मैडम अभी आपने एक छोटा सा मुद्दा ऑडियंस किया था, तो उसके कुछ विनर्स है, तो उनको थोड़ा सा आपका तो सम्मानित करना चाहते हैं। चार लोग आ जाएं जो अभी विजेता रहे। मैडम आप